हाय गाइस, मैं हूँ मेघा और स्वागत है आपका पर्की मेग्स हिंदी में, जहाँ हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और लाइफस्टाइल की हर मंडे और फ्राइडे। तो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि विंटर में जो हम फैशन करते हैं उसमें क्या क्या आपके वार्डरोब में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि कुछ पीसेज ऐसे होते हैं जो वार्डरोब में अगर हो तो आपको उसको अगेन एंड अगेन स्टाइल करके बहुत ही अच्छे लुक्स क्रिएट कर सकते हैं। और स्पेशली क्योंकि सर्दी अब बिल्कुल आ गई है, दिसंबर में काफ़ी लेट आई है इस बार, लेकिन हाँ पूरी सर्दी आ गई है, तो मैं आपको बताऊंगी कि आपके वार्डरोब में क्या क्या होना चाहिए, वेदर आप एथनिक वेयर पहनते हैं या वेस्टर्न वेयर पहनते हैं, पर कुछ चीज़ें जो ज़रूर होनी चाहिए आपके वार्डरोब में। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, मेरे पास है यहाँ एसेंशियल्स जो मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मुझे लगता है जो ज़रूर आपके वार्डरोब में होना चाहिए वो है एक ब्लैक, बेसिक ब्लैक टी शर्ट। अब ये आप जो है एक वॉर्म भी ले सकते हैं, वॉर्म जो है वो मार्क्स एंड स्पेंसर में इस टाइप की मिलती है, एकदम टी शर्ट स्टाइल की, और बहुत ही अच्छी होती है। थोड़ी एक्सपेंसिव होती है लेकिन वो काफ़ी चलती है, 3-4 साल आराम से चल जाएगी आपकी। या फिर आप इस टाइप का एक फुल स्लीव टी शर्ट ले सकते हैं जो आप किसी भी स्लीवलेस टॉप के अंदर पहन सकते हैं, देन ऊपर आप जैकेट ले लीजिए, या फिर ये अलोन के साथ आप ऊपर से कोई ड्रेस पहन लीजिए ब्लैक, तो उसके जो ये सीमलेस लगेगा स्लीव के साथ, और फिर आप उसके साथ जो है आराम से एक जैकेट पहन सकती हैं, स्कार्फ स्टाइल कीजिए। तो ये जो है बहुत ही वर्सेटाइल है, क्योंकि विंटर्स में हमारे पास बहुत सारे डार्क क्लोथ्स होते हैं, तो ब्लैक तो बिल्कुल एसेंशियल है। ये जो टी शर्ट है मैंने H&M से ली है, वहाँ बहुत सारे बेसिक्स होते हैं और सही आपको मिल जाएंगे, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। ये टी शर्ट काम आती है जब थोड़ी हल्की ठंड हो, लेकिन अगर ठंड बहुत ज़्यादा हो तो आपको इस तरह का एक टर्टल नेक टॉप या जिसको स्कीवी भी कहते हैं आप वो ले सकते हैं। ये जो है बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल होता है, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं या आप कोई ऐसी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं आप बहुत ठंड है, या आप ऑफिस जाते हैं या फिर आप कॉलेज जाते हैं, सब पे ये बहुत ज़्यादा काम आती है। तो वही इसको आप अगेन ब्लैक जीन्स के साथ पहन सकते हैं, ट्राउज़र के साथ पहन सकते हैं, ब्लैक ब्लैक करके ऊपर आप एक इस तरह का कोट ले लीजिए तो बहुत ही अच्छा लगता है, सीमलेस ऊपर रेड जैकेट ले लीजिए, कलर पॉप ऑफ कलर ऐड कर दीजिए। तो मेरे ख्याल से ये दोनों, एक ब्लैक टॉप और एक ब्लैक टर्टल नेक वॉर्म टॉप या फिर स्वेटर या स्कीवी, जरूर होना चाहिए आपके वार्डरोब में। नाउ गाइस, नेक्स्ट जो है वो है कुछ जैकेट्स जो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, और मुझे लगता है उसमें जो डेनिम जैकेट है, इस तरह की जो जैकेट्स हैं वो ज़रूर होनी चाहिए आपके वार्डरोब में। ये इतनी वर्सेटाइल है, आप इसको कुर्ते के ऊपर भी पहन सकते हैं, आप इसको वेस्टर्न ड्रेस के ऊपर भी पहन सकते हैं, आप इसको जीन्स और टॉप पर भी पहन सकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा वेज है जिसमें आप डेनिम जो है जैकेट को स्टाइल कर सकते हैं। ये भी हल्की ठंड के लिए अच्छा होता है, अगर ज़्यादा ठंड हो तो आप इसके अंदर पहले एक स्किन फिट स्वेटर पहनिए और उसके बाद आपकी जैकेट पहनिए, तो अगेन आपका सर्दी का भी काम चल जाता है, बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लगती है। ऐसी वाले जो जैकेट्स हैं आपको सरोजनी नगर में बहुत ही थ्रो अवे एकदम सस्ते प्राइस पे मिल जाएंगी, 250, 300, 350, और या फिर आप ब्रांडेड भी ले सकते हैं। ब्रांडेड डेनिम जैकेट्स थोड़ी सी एक्सपेंसिव आती हैं, बट डेनिम जैकेट्स आपके वार्डरोब में ज़रूर ज़रूर होनी चाहिए। लेट मी नो अगर आप एक वीडियो देखना चाहते हैं कि डेनिम जैकेट को कैसे डिफरेंट वेज में स्टाइल करें, तो ज़रूर बताएं मुझे, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। नाउ नेक्स्ट जो है, आपके पास एक लॉन्ग कोट ज़रूर होना चाहिए फ्रेंड्स, वेदर आप साड़ी पहनते हैं या आप कुर्ता पहनते हैं, सूट पहनते हैं, या फिर आप वेस्टर्न ड्रेसेस पहनते हैं, जीन्स टॉप ज़्यादा पहनते हैं, बट एक इस तरह का लॉन्ग आपके पास कोट ज़रूर होना चाहिए। तो ये वाला जो कोट है ये मेरा एकदम स्टेपल था जब मैं ऑफिस जाती थी या मैं ट्रैवल करती थी ऑफिशियल वर्क के लिए, या फिर रेगुलर वेयर में भी इस तरह का कोट बहुत अच्छा होता है। साड़ियों के साथ भी इस तरह की लॉन्ग कोट जो है बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये जो मैंने जिंजर ब्रांड है जो कि लाइफस्टाइल का इनहाउस ब्रांड है उससे लिया था और मुझे काफी अच्छे प्राइस में मिल गया था, तो आप इस तरह का एक लॉन्ग कोट जरूर लें और ट्राई कीजिए, थोड़े से डार्क कलर्स में लीजिए तो वो जल्दी गंदे भी नहीं होते, फेड आउट नहीं होते और ज्यादा से ज्यादा यूज में आते हैं। इसलिए मैंने ये ग्रे शेड में लिया है क्योंकि मेरे ये मोस्ट ऑफ द ब्लैक कपड़ों के साथ चल जाता है। तो आप भी एक इस तरह का डबल ब्रेस्ट या सिंगल ब्रेस्ट लॉन्ग कोट जरूर लीजिए, ये बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल होते हैं, ट्रस्ट मी बहुत ही ज्यादा आपके काम आएंगे। नाउ गाइस, नेक्स्ट जो बहुत ही ज्यादा फैशन में है वो है इस तरह का कोटी जैकेट्स, इनको कोटीज भी बोलते हैं,
तो ये मैंने लिया है, मिलांज एक ब्रांड है। आप लोग पूछ रहे थे लास्ट वीडियो में कि मेघा ये जैकेट कहाँ से लिया है, कहाँ से लिया है, तो ये मिलांज एक ब्रांड है जो कि लाइफस्टाइल का ब्रांड है, उससे लिया था। और ये मुझे बहुत ही थ्रो अवे प्राइस में मिल गया था सेल में 2 साल पहले। तो ये जो जैकेट है इसको आप कुर्ते के साथ भी पहन सकते हैं, या आप जीन्स टॉप के साथ भी पहन सकते हैं, ड्रेस के ऊपर भी पहन सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और इवन ऑफिस ऑफिशियल के लिए बहुत ही एलिगेंट है और क्लासी है। तो ऑफिस में आप इस टाइप का जैकेट पहन सकते हैं, कुर्तीज़ के साथ, जीन्स के साथ, ड्रेसेस के साथ। तो आप इस तरह की एक जैकेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, फोर फर जैकेट्स आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और स्पेशली न्यू ईयर पार्टीज़ में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो ये है एक डस्टी पिंक कलर का फोर फर जैकेट जो मैंने H&M से लिया था अगेन, और बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लगता है ये स्कर्ट्स के साथ और ड्रेसेस के साथ, स्पेशली मैं बोलूँगी न्यू ईयर पार्टीज़ वगैरह में बहुत ही स्टाइलिश लगता है। तो अगर आप चाहते हैं तो एक फोर फर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी काम नहीं आता है, तो अगर आपको खाली कुछ स्टेपल्स में इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले आप इन्वेस्ट कीजिए एक इस तरह के लॉन्ग कोट में, एंड नेक्स्ट आप इन्वेस्ट कीजिए एक डेनिम जैकेट में। ये आपके दो बिल्कुल मस्ट हैव हैं। नाउ गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं लेगिंग्स की। तो लेगिंग्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, स्टेपल होनी चाहिए आपकी वार्डरोब में। अब मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी लेगिंग्स आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। तो चलिए हम अगेन मूव ऑन करते हैं वार्डरोब पे। तो गाइस, मैं आपको बोलूँगी कि आपके पास एक ब्लैक वॉर्म लेगिंग्स जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। तो ये जो है मैंने डील जीन्स से ली थी और ये मेरी 3-4 साल से चल रही है, और इसको जो हूँ मैं ब्लैक अपनी LBD लिटिल ब्लैक ड्रेस के साथ पहनती हूँ, वही लॉन्ग ब्लैक टी शर्ट के साथ। तो ये बहुत ही अच्छा सीमलेस लुक आता है। तो इसको आप ड्रेसेस के नीचे पहन सकते हैं, आप इसको कुर्तीज़ के नीचे पहन सकते हैं, लहंगे के नीचे पहन सकते हैं, साड़ी के नीचे पहन सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर क्योंकि ये एंकल लेंथ है थोड़ा सा ऊपर होती है तो पता नहीं चलता है, तो आप शादियों में भी पहन सकते हैं। तो मैं बोलूँगी एक वॉर्म लेगिंग्स और स्पेशली ब्लैक कलर में, और किसी में नहीं लेनी है तो ब्लैक कलर में आपके पास जरूर होनी चाहिए। नाउ गाइस, अगर आप शॉर्ट ड्रेसेस पहनते हैं, शॉर्ट स्कर्ट्स पहनते हैं और आप सोच रहे हैं कि सर्दियों में मैं उन्हें अब नहीं पहन पाऊंगी, अब क्या करूं, तो आप बिल्कुल वरी ना कीजिए, क्योंकि आप जो है शॉर्ट ड्रेसेस को विंटर में एकदम रॉक कर सकते हैं वॉर्म टाइप्स के साथ। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मेरे पास यहाँ है एक वॉर्म टाइप्स जो कि है H&M की, और ये इतनी वॉर्म है। तो ये कुछ इस तरह की टाइट्स आती हैं। तो ये जो है डिफरेंट डिफरेंट थिकनेस में आती है, आपको एकदम शीयर चाहिए या डार्क चाहिए, थिक चाहिए, तो मैंने थोड़ा सा थिक वाली ली है जिसको मैं स्कर्ट्स के नीचे पहनती हूँ, बूट्स के साथ बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो आप अपनी सारी शॉर्ट ड्रेसेस के नीचे टाइट्स पहनिए, बूट्स पहनिए, ऊपर से आप कुछ भी जैकेट, आप जो भी वॉर्म चीज स्वेटर लेना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा लगेगा, स्टाइलिश लगेगा, स्पेशली न्यू ईयर पार्टीज में आप एकदम रॉक करेंगे। ये जो टाइट्स है मुझे सिर्फ H&M की अच्छी लगती है। आई एम सॉरी, ये वीडियो H&M से स्पॉन्सर्ड बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो H&M की मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली इनमें टाइट्स, इसमें बहुत सारी वैरायटी है तो आप ले सकते हैं। तो H&M अगर आप मुझे देख रहे हैं और स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो बिल्कुल मैं तैयार हूँ। तो चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं एथनिक वेयर की तरफ। नाउ एथनिक वेयर के लिए मैंने सेपरेटली एक लास्ट ईयर वीडियो बनाया था कि एथनिक फैशन में आप विंटर वेयर में क्या क्या पहने, तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। पर एथनिक वेयर में मुझे लगता है इस तरह का एक वॉर्म कुर्ता आपके पास जरूर होना चाहिए। इस तरह के वॉर्म कुर्ते आपको बहुत सारे ब्रांड्स में मिल जाएंगे, लाइफ स्टाइल, पैंटेलून, सेंट्रल, सब में इस तरह का है, बीबा, ग्लोबल, देसी। तो ये जो है ये मैक्स का है, और मैक्स के जो कुर्ते हैं वो बहुत ही रीजनेबल होते हैं, और ये इतना वॉर्म है, इसको मैं ऑफिस में पहन के जाती थी, बहुत अच्छा लगता था। इसके साथ ये ब्लू लेगिंग्स की पेयरिंग है, तो ये कुर्ती और लेगिंग्स है, आप उस लुकबुक में भी देखेंगे कि मैंने पहना है। तो इस तरह का आपके पास वॉर्म कुर्ता और लेगिंग्स जरूर होना चाहिए फ्रेंड्स, स्पेशली गर्ल्स। अगर आप विंटर में सिर्फ एथनिक वेयर पहनते हैं, आप वेस्टर्न वेयर नहीं पहनते हैं, तो आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, आप इस तरह की कुर्तीज में बहुत स्टाइलिश लगेंगे। और इस तरह की कुर्ती सेट्स आपके अप डाउन पैटर्न में भी आते हैं, लॉन्ग भी आते हैं, इवन आजकल प्लाजो भी आने लग गई है वॉर्म, तो आप उस तरह का ले सकते हैं। तो मुझे लगता है एक वॉर्म कुर्ती सेट विद पजामी बिल्कुल एसेंशियल वार्डरोब में आपके पास जरूर होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, जब बहुत ही ज्यादा ठंड होती है तो आपके पास कुछ अच्छे कलरफुल स्कार्फ्स और कैप्स जरूर होने चाहिए। तो गाइस, मुझे जो है कैप्स पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं कैप्स और वूलन स्कार्फ्स बहुत ज़्यादा लेती हूँ, स्पेशली जब मैं शिमला, मनाली और ठंड की जगहों पर उत्तराखंड में घूमने जाती हूँ और बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो वहाँ पे स्टाइलिश कैसे दिखे, तो आप अच्छी अच्छी सी स्टाइलिश टोपियाँ लीजिए, मफलर लीजिए, और फिर आप एक स्टाइल
स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे और ऐसा भी लगेगा कि आपको बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है और आपने कुछ भी पहन लिया है। तो स्टाइलिश दिखने के लिए आप अच्छी अच्छी कैप्स लीजिए। तो जैसे हल्की ठंड के लिए जो इस टाइप की कैप्स हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं, जो शेफ्स कैप्स होती हैं वो इस तरह के आप टेढ़ी कर लीजिए तो बहुत ही स्टाइलिश लगती है, या फिर आप जो है इस तरह की कैप्स लीजिए जो कि बहुत ही ईजिली आपको हिमाचल में मिलेंगी। आप कहीं भी ठंडी जगह जाएंगे वहाँ पे बहुत ही ईजिली अवेलेबल होती है, सरोजिनी नगर में भी मिलती है। तो इसको आप पहनिए, इसको ऐसे टेढ़ा कर लीजिए, बहुत ही स्टाइलिश लगता है। मैं यहाँ कुछ फोटोज़ डाल दूंगी जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितनी अच्छी लगती हैं ऐसी वाली कैप्स। या फिर अगर आप क्यूट क्यूट लगना चाहते हैं तो आप इस टाइप की बनी कैप भी ले सकते हैं जिसमें ये ऊपर से ऐसा बना हुआ है तो ये बड़ा ही क्यूट लगता है जब आप पहनते हैं। और जो है इस तरह के स्कार्फ्स मेरे पास हैं, इस तरह के जो स्कार्फ्स हैं आप कभी भी जो है डार्क कलर्स में मत लीजिए। मुझे पॉप ऑफ कलर्स बहुत पसंद होते हैं क्योंकि हमारे पास जनरली सर्दियों में ब्लैक कलर, ग्रे कलर ये सब होता है, तो स्कार्फ्स और कैप्स जो है आप कलरफुल लीजिए तो बहुत ही अच्छा एलिमेंट ऐड होता है ओवरऑल लुक में। तो मुझे पर्सनली ये वाला स्कार्फ अपना वुलन बहुत पसंद है, ये कैप के साथ पेयरिंग में आया था और इसको मैं जब भी जाती हूँ ट्रैवलिंग में पहनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इवन अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, थोड़ा सा स्टाइल स्टेटमेंट क्रिएट करना है तो कैप्स और स्कार्फ्स बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। तो आप ज़रूर इनमें इन्वेस्ट कीजिए और कलरफुल चॉइसेस करिए जैसे कि रेड, येलो, बहुत ही अच्छा लगता है। और अगेन मैंने ये बड़ा वाला स्कार्फ मंगवाया था, ये कुर्तीज के साथ बहुत अच्छा लगता है, बहुत बड़ा वुलन स्कार्फ है ये, मैंने ऑनलाइन अजियो से मंगवाया था, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। तो इस टाइप की कुछ स्कार्फ्स और कैप्स जरूर रखिए अपने वार्डरोब में। तो गाइस अब मैं बैठ गई हूँ आराम से क्योंकि बात करेंगे हम विंटर के लिए एसेंशियल फुटवेयर की। तो सबसे पहले बात करूंगी मैं बूट्स की, तो आपके पास एक पेयर ऑफ ब्लैक बूट्स जरूर होना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा काम आता है। अगर आप टाइट लेगिंग्स पहनते हैं और टॉप के साथ तो बूट्स अच्छे लगते हैं, ड्रेसेस पहनते हैं तो उनके साथ बूट्स अच्छे लगते हैं, स्कर्ट्स पहनते हैं तो उनके साथ बूट्स अच्छे लगते हैं, और स्पेशली ब्लैक बूट्स सबके साथ जाते हैं। तो अगर आपको सिर्फ एक पेयर ऑफ बूट्स लेना है तो मैं एडवाइस करूँगी कि आप ब्लैक बूट्स लीजिए। तो आप इस तरह के बूट्स ये वाले H&M से लिए हैं मैंने, बलूजाज में भी दिल्ली में बहुत अच्छे बूट्स मिलते हैं। और अगर आप और बूट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो चॉकलेट ब्राउन बूट्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट जो है आपके पास होने चाहिए इस तरह के ऑक्सफोर्ड शूज़। नाउ इनकी ब्यूटी ये है कि ये जो है सूट्स के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं और वेस्टर्न ड्रेसेस के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो मुझे तो ये बेहद पसंद है। मैं आपको डिफरेंट वेज में हमेशा दिखाती हूँ कि मैं कैसे इंडो वेस्टर्न लुक के लिए ये पहनती हूँ, और एथनिक वेयर के साथ भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये मैंने लिए थे पेटीएम से, ब्रांड का नाम है ला ब्रिज़ा। आप लोग हमेशा पूछते हैं कि ये ऑक्सफोर्ड्स मैंने कहाँ से लिए, तो ये ऑक्सफोर्ड्स हैं ला ब्रिज़ा से। तो इस तरह के शूज़ आपको सरोजनी में भी मिलेंगे, बहुत अच्छी अच्छी लेदर शॉप से वहाँ पे मिलते हैं, तो आप ले सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, और स्पेशली इस तरह के टैन कलर में, चॉकलेट ब्राउन कलर में बहुत अच्छे लगते हैं। नाउ नेक्स्ट गाइस, अगर आप शूज़ बिल्कुल नहीं पहनते हैं तो आपके पास ये बेली ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि ठंड में हम चप्पलें तो पहन नहीं सकते, बहुत ठंड लगती है। तो इस तरह की एक कंफर्टेबल बेलीज आप ज़रूर लीजिए। नाउ बेलीज में प्रॉब्लम ये होता है कि फिटिंग का बड़ा इश्यू होता है, पीछे से कई बार पैर कट जाता है। तो ये जो है ट्रेमोर की हैं और ये बहुत ही अच्छा ब्रांड है, कंफर्टेबल है। मैं ये ऑफिस में बहुत ज़्यादा ये पहनती थी और मैं हील्स ज़्यादा नहीं पहनती हूँ इसलिए ये वेजेस ली थी। आप हील्स ले सकते हैं, आप मेरी तरह अगर फ्लैट्स पहनते हो फ्लैट्स ले सकते हैं, बट वन पेयर ऑफ बेलीज आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। मैं ज़्यादातर ब्लैक लेती हूँ क्योंकि ब्लैक सबके साथ चल जाता है। नेक्स्ट, अगर आप मेरी तरह ट्रैवल करते हैं तो ये वाइट शूज़ बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली विंटर में। मैं तो इनको समर्स में भी पहनती हूँ बट विंटर के लिए भी एसेंशियल है। मैं इनको अपनी ड्रेसेस के साथ भी पहनती हूँ, पैंट्स के साथ, जीन्स के साथ, लेगिंग्स के साथ, सबके साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो मुझे तो बहुत बेहद पसंद है ये, स्पेशली वाइट कलर में। मैंने ये कूव से लिए हैं, तो आप इस तरह के वाइट पेयर ऑफ शूज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लगते हैं। तो गाइज ये था वीडियो ऑन विंटर वार्डरोब एसेंशियल्स, यानी क्या क्या क्लोथिंग पीसेस और एक्सेसरीज आपके वार्डरोब में होने चाहिए ताकि आप सर्दियों में एकदम फैशनेबल लगे, स्टाइलिश लगे और हाँ आपको ठंड भी ना लगे। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे थम्स अप देना बिल्कुल ना भूलिए, लाइक देने में कंजूसी ना करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए पोकी मेक्स हिंदी को ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप और क्या देखना चाहते हैं, क्योंकि ये वाला जो वीडियो था हाईली रिक्वेस्टेड था, तो आप अपनी और रिक्वेस्ट मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हाँ, पहले एक घंटे में मैं सारे कमेंट्स पर रिप्लाई करती हूँ, तो आप जैसे ही ये वीडियो देखें जल्दी से कमेंट कर दीजिए ताकि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर सकूँ। ऑल्सो गाइज मैं एकदम फैशनेबल पिक्स इंस्टाग्राम पे डालती हूँ, तो अगर आप और फैशन टिप्स चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पर्की मेक्स। तो चलिए मिलती हूँ आपको अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, फील ब्यूटीफुल, बी स्टाइलिश, बाय बाय।